हेलो फ्रेंड, मैं ऋतु तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक रितु की एक फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय मेरे दोनों चैनल पर, मतलब टेक रितु वाले पे, रितु ब्लॉग वाले पे, दोनों पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। और उसका रीज़न ये था कि लखनऊ में जो भी लड़ाई और दंगांगा हो रहा, उसकी वजह से लखनऊ में इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये भी नहीं किसी 12 घंटे 24 घंटे के लिए बंद किया, और 3-4 दिन से इंटरनेट बंद है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं रिसेंटली अपने गाँव गई थी, वहाँ से मैंने पोस्ट किया था। मैंने सोचा था मैं वहाँ जाके वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन गांव में भी नेट का मतलब इतना अच्छा नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं, इसलिए मैंने पोस्ट कर दी थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और अब नेट चालू हो गया तो आपको रेगुलर मेरे चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करूँगी कि फेक जो चैनल, आपको उनसे कैसे बचना है, ठीक है, फेक चैनल से कैसे थोड़ा दूर रहना है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मेरा पहला चैनल था रितु ब्लॉग वाला, तो उस समय जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल बनाया था तब तो कुछ नहीं था, लेकिन उस समय जब मैं तेज़ी से वायरल हुई थी, मतलब चैनल मेरा ग्रो किया था कम समय में, तो मेरे ही नाम से 20 से 25 चैनल खुल गए थे। मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गई थी, मतलब कई बार मैंने उसे वीडियो भी बनाई कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं मानी, ठीक है। उसके बाद मैंने कई चैनल पर रिपोर्ट करी, उसके बाद देन तब कुछ कम हुआ, तब मेरा जो मेन चैनल है उसके कुछ जो फेक चैनल थे बंद हो गए। अब उसके बाद क्या, मैंने जो टेक रितु वाला भी नया चैनल अपना रिसेंटली बनाया है, इसमें क्या हुआ कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे इसमें हैं और व्यू भी अच्छा खासा निकल रहा है, क्योंकि अभी हफ्ते भर हुआ उसको स्टार्ट किए हुए, ठीक है। जैसे मैंने खोला, मैंने उसके बारे में बताया, लोग उन्होंने उसकी भी कॉपी कर ली। टेक रितु के नाम से भी 2-3 चैनल खुल गए। अगर आप सर्च करोगे टेक रितु तो उसमें मेरी ही वीडियो होंगी, किसी और वीडियो नहीं, यानी खुद का कॉन्टेंट हो, मेरा ही चैनल का नाम है, मेरे ही वीडियो उसमें अपलोड है, ठीक है। तो वो फेक चैनल, अभी मैं सोचेगा कि रितु ने भी नया चैनल खोला है तो उस पर सब्सक्राइबर कम होंगे, व्यूज़ भी कम होंगे, तो ये मेन चैनल है तो उसे सब्सक्राइब मत करिएगा। इसमें ज़्यादा वीडियोज़ आपको देख रही, व्यू अच्छा दिख रहा होगा, वही मेरा मेन चैनल है। फेक चैनल और खुल गए हैं तो आप, प्रॉब्लम हो सकती है, आप उनको जाके सब्सक्राइब मत कर लीजिएगा। और उसकी लिंक है जो वीडियो की, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं मतलब उन लोगों को मैं समझा चुकी हूँ, पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं सोचू उस पर वीडियो बनाऊँ, बार बार बनाऊँगी, लेकिन अगर इनके अंदर इतनी समझ होती ना तो ऐसा काम नहीं करते। जो कम समय थोड़ा वायरल होते हैं तो उनके नाम पर बहुत सारे फेक चैनल खुल जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी, ऐसा मत करो यार, खुद का चैनल एक बना लो, खुद का कॉन्टेंट डालो, खुद की वीडियोज़ अपलोड करोगे ना तो हो सकता है कि आप जरूर थोड़ा बहुत मतलब आगे बढ़ जाओ, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। और दोस्तों, मेरा एक चैनल था रितु तिवारी वाला, ठीक है, तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो उसका रीज़न आप लोग को पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि मेरा खुद का कंटेंट नहीं था तो मोनेटाइज नहीं हुआ। तो जो मेरे नाम से फेक चैनल बना रहे हो ना, तो मोनेटाइज होना नहीं है आप लोगों का, ठीक है, आपको अर्निंग होनी नहीं, उससे फ़ायदा क्या है, मुझे ही पॉपुलर कर रहे हो थोड़ा बहुत। आपकी वीडियो को देखेगा तो मुझे ही जानोगा कि मैं अपनी फेस स्कैन वीडियो बनाती हूँ, कोई मेरे ऐसा कोई वीडियो नहीं जो फेस स्कैन ना हो, मुझे ना जानते हो। आज 26-27 हज़ार लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो अगर फेक चैनल बनाओगे नुकसान आपका होना है, ठीक। और रितु तिवारी वाला जो मेरा चैनल है ना, उसको बहुत जल्दी डिलीट करने वाली हूँ। अभी तो मैंने डिलीट नहीं किया है, उस पर मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही, लेकिन उसको डिलीट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये सब देख के ना मेरा मूड खराब होता है यार। अपने मतलब मेहनत भी कर रहे हो, वीडियो मेरी डाउनलोड करते होगे, नेट जाता होगा, फिर से अपलोड करते होगे तो भी नेट जाता है, उससे कम नेट जाएगा कि अपना खुद का वीडियो बनाओ तब उसे अपलोड करो। हो सकता है आपका कोई वीडियो वायरल हो जाए और लोग आपको जानने लगे, ठीक है। मेरी पहचान तो बनी रही है, मैं तो अपनी पहचान बना चुकी हूँ और आगे तक बनाती रहूँगी, लेकिन मुझे फॉलो करो, मेरी वीडियो देखो, उससे कुछ सीखो, वैसी वीडियो बनाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं जो वीडियो में बना रही हूँ वही टॉपिक उठा के पूरा डाल दो, कोई उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी खुद की वीडियो तो अपलोड मत करो उस चैनल पर। फेक वीडियो बना रहे हो, ठीक है, फेक चैनल खोले दे रहे हो मेरे नाम से, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो ऐसे चैनल से लोग थोड़ा बच के रहिएगा। जो मेरा सेकंड चैनल है उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं फिर कह रही हूँ, तो फेक चैनल को मत सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है रितु तिवारी के नाम से, आप लोग उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फर्स्ट नंबर पर रितु तिवारी डालेंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कि उसमें मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशन लेके आती रहती हूँ। और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी टेक रिलेटेड वीडियो होंगी सब आपको इसी चैनल पर देखने मिलेंगी। क्योंकि लोग रितु ब्लॉग वाले पर सोच रहे हैं, क्योंकि मैं पहले उसमें टेक और ब्लॉग्स कंबाइंड डालती थी, तो अब मैं इसमें ब्लॉग डाल रही हूँ, तो जिनको ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल को विजिट कर लीजिएगा, और टेक की वीडियो जितनी आपको इसमें मिलेंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा है, और प्लीज़ मुझे सजेशन दें कि आपको कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो और बनाऊँ, ठीक है। मैं वैसे मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरी फैमिली मेंबर है जिनको उनको तकलीफ हो रही है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे वो भी सजेस्ट करिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।